हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट टू टेल यू टू थिंग्स। ये वीडियो प्लेलिस्ट और जो लेक्चर्स हैं, दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे जो ऑलरेडी इस बुक को पढ़ चुके हैं और जो फर्स्ट टाइम इस बुक को पढ़ रहे हैं। जो ऑलरेडी इस बुक को पढ़ चुके हैं वो इसे एज अ रिविज़न यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को 1.5x और 2x मोड में आप इसको चलाकर जल्द से जल्द इस बुक को विद इन 16 to 17 hours कंप्लीट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी विद इन अ वीक कंप्लीट कर रिविज़न कर सकते हैं रिपीटेटिव। और एज अ ऑडियो बुक भी यूज़ हो सकती है कि आप इसको बार बार सुन सुन के आपको ये याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये था 1934 में कि जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो फॉरवर्ड किया गया एम एन रॉय जी ने। और उसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टू फ्रेम करे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जो डिमांड थी वो फुली ना वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई थी इन द प्रिंसिपल्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे अगस्तोगफर भी बोलते हैं 1940 का। और 1942 में जो सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प थे, जो मेंबर थे कैबिनेट के, इंडिया के अंदर आते हैं ड्राफ्ट प्रपोजल से ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग ने, जो चाहते थे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू ऑटोनोमस स्टेट की जो डिमांड कर रहे थे। फाइनली जो एक कैबिनेट मिशन था वो इंडिया के अंदर सेंड किया गया, जिसने रिजेक्ट कर दिया गया टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था। और उसने फॉरवर्ड रखी एक स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो विच और मोर लेस सेटिस्फाइड करती थी मुस्लिम लीग को। अब हम देखते हैं कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जब हम कंपोजिशन देखते हैं तो हम पहले देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी नवंबर 1946 में अंडर द स्कीम जो फॉर्मुलेट हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान। ये आप ध्यान रखें किस मिशन के अंदर ये फॉर्मुलेट की गई थी, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था। अब इसके फीचर्स क्या हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी, जिसमें से 296 जो थे ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। मिनट। और आउट ऑफ 296 जो ये 292 जो मेंबर्स थे वो ड्रॉ कर गए थे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से, और जो 4 थे वो चीफ गवर्नर प्रोविंसेस थे। अब सेकंड देखें, जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स से जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो सीट्स थी वो प्रोपोर्शन में थी पॉपुलेशन के, और एक सीट पर मिलियन पॉपुलेशन इसमें रेशो जा रहा था। और जो सीट अलॉट की जा रही थी ईच ब्रिटिश प्रोविंशन को वो भी किसके बेसिस पे थी, वो डिवाइड थी उन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में, उसमें थे मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल में सभी थे एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख, और वो भी प्रोपोर्शन में था उनकी पॉपुलेशन के। और जो फोर्थ आता है उसमें है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ईच कम्युनिटी के वो भी इलेक्टेड होते थे बाय मेंबर ऑफ डेट कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी का जो इलेक्टेड मेंबर बैठा है कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो वोटिंग होती थी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती थी बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट STV। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रिंसली स्टेट के वो नॉमिनेट किए जाते थे किससे, हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट से। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारी जो एडिंग हुई उसके अंदर 5 पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं कि यह क्लियर था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड थी पार्शली नॉमिनेटेड थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो वो फुली नॉमिनेटेड थी या फुली इलेक्टेड थी, तो वो ना तो फुली इलेक्टेड थी ना फुली नॉमिनेटेड थी, वो पार्शली इलेक्टेड थी पार्शली नॉमिनेटेड थी। और जो उसके मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, जो देमसेल्फ वो जो इलेक्टेड हुए थे लिमिटेड फ्रेंचाइजेस के बेस पे। जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 296 सीट्स के लिए वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
208 सीट जीत ली थी, जिसमें से मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और जो स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट थे उनको 15 सीट्स मिलती हैं। लेकिन 93 सीट्स में से जो अलॉट हुई थी प्रिंसली स्टेट को वो फिल नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से दूर रहने डिसाइड किया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी। और जबकि ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है पीपल ऑफ इंडिया के आइडल फ्रेंचाइजेस के बेसिस पे, लेकिन जो असेंबली है वो कंप्राइज करती है रिप्रेजेंटेटिव सभी सेक्शन के इंडियन सोसाइटी के, जिसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसीज हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इंडियन क्रिश्चियंस हैं, एसटी एंड एससी हैं, इंक्लूडिंग वुमेंस ऑफ ऑल सेक्शंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें वुमेन इंक्लूड थी या नहीं, तो आप इसे आप मार्क करके रख सकते हैं अपनी बुक में। और जो असेंबली है उसमें सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी। तो ये इस पैराग्राफ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाते हैं, जो असेंबली थी उसमें सभी सेक्शन तो थे ही एससी एक्सटी, लेकिन वुमेंस भी उसमें इंक्लूड थी और उसमें सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने अपनी पहली मीटिंग रखी 9 दिसंबर 1946 में, और मुस्लिम लीग ने इसका पूरा बायकॉट किया, जो सेपरेट स्टेट चाहती थी पाकिस्तान की। और जो मीटिंग थी 211 मेंबर्स ने अटेंड की, और उसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, उन्हें एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट असेंबली का बना दिया गया था। किस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए? फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। तो ये आप एज ए हाईलाइटर अपने हाथ में रख सकते हैं, लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन ये चल रहा है, तो उसमें आप मार्क करते रहेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है यहाँ पे, और मैं भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। लेटर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो एज अ प्रेसिडेंट बने थे इसके, असेंबली के इलेक्टेड हुए थे जो कि, और एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचार्य दो थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे असेंबली के। तो ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि ये एस सी मुखर्जी है, तो एस सी वर्मा की बहुत फेमस फिजिक्स की बुक आती है, तो वहाँ से एस सी मुखर्जी आप रख सकते हैं याद, और वी टी कृष्णाचार्य आप याद रखेंगे क्योंकि अभी हम आगे ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे टी टी कृष्णाचार्य भी आएंगे, तो दोनों नाम आपको साथ साथ याद रहेंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो ऑन दिसंबर 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली के। अब इसके अंदर थी फंडामेंटल और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ये भी आप मांग कर सकते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फंडामेंटल और फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की कहाँ पे दी हुई है। अब इसके अंदर जो फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, इसकी मॉडिफाइड जो फॉर्म है वो हमारे पास एट प्रेजेंट प्रीएम्बल है। इसके अंदर ये पॉइंट्स दिए गए हैं 8 पॉइंट्स, और ये जो है यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में, जो मैं बताया कि मॉडिफाइड फॉर्म है प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं जो चेंजेस किए गए थे इंडिपेंडेंस एक्ट ने। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर थे, उन्होंने अभी इसको ग्रेजुअली ज्वाइन कर रहे थे, और 28 अप्रैल 1947 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट के वो पार्ट हो गए थे असेंबली का। और माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्टेंस के बाद 3 जून 1947 के अंदर पार्टीशन जो होगा कंट्री के, फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, ये माउंटबेटन प्लान आया था। जो रिप्रेजेंटेटिव थे मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट, उन्होंने भी सीट ले ली थी असेंबली के अंदर। और जो मेंबर थे मुस्लिम लीग के फ्रॉम द टू इंडियन डोमिनियन, उन्होंने भी अब असेंबली के अंदर एंटर किया था। अब देखते हैं कि 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसने 3 चेंजेस क्या लाए थे। पहला कि जो इंडिया वो असेंबली थी फुली सॉवरेन बॉडी बन गई थी, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती थी जो उसको अच्छा लगे, विच इट प्लेज्ड। और जो एक्ट ने एम्पावर भी किया था असेंबली को, कोई भी लॉ चेंज कर सकती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिलेशन टू इंडिया बनाया है। सेकंड देखते हैं कि ये फुली लेजिस्लेटिव, पहले थी फुली सॉवरेन बॉडी बन गई थी, और सेकंड थी कि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी। और इन अदर वर्ड कहेंगे तो इसके दो सेपरेट फंक्शन हो गए थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्री इंडिया के लिए, दूसरा इनेक्ट करना ऑर्डिनरी लॉ कंट्री के लिए। तो दो टास्क थे वो परफॉर्म होते थे सेपरेट डेज में। और द असेंबली बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। और जो जब भी असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का कुछ चेयर का किया जाता था, काम किया जाता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और कुछ कानून बनाने के लिए जब भी असेंबली मिलती थी जी वी मवलंकर जी करते थे। एंड दीज टू फंक्शन कंटिन्यू चलते रहे
नवंबर 26 1949 टिल द टास्क ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओवर। जो मुस्लिम लीग थी मेंबर्स की, उसने विड्रॉ कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इंडिया की, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की 299 रह गई, पहले 389 थी जो ओरिजिनली फिक्स हुई 1946 के अंदर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी आप रख सकते कि याद कि ये जो पहले भी बताया था कि ये सारे फीचर्स कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर आई थी, जो मैंने 5 फीचर्स देखे थे पहले कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग थी। और जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की वो भी रिड्यूस हो गई थी 296 से लेके से 229 पे, 296 पहले थी 229 हो गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 93 से 70 हो गई। अब देखते हैं जो अदर फंक्शन परफॉर्म हुए थे इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनट असेंबली ने ये फंक्शन फॉलो किए हैं, 5 फंक्शन हैं। तो इसमें से आप देखिए कि जो सबसे पुरानी डेट है उसमें 1947 है, तो देखिए नेशनल फ्लैग सबसे टॉप पे होता है, सबसे अलग ही दिखता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कन्फ्यूज़न होगा कि ये 3 डेट एक हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो 1947 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग हुआ था, और इंडिया की मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ की थी वो रेटिफाई हुई थी 1949 में। और जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बने थे 24 जनवरी 1950 में। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके 11 सेशन हुए थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स है वो 60 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गए थे, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया गया था 114 दिन के लिए, और टोटल जो खर्चा इसके अंदर आया एक्सपेंडिचर वो 64 लाख का आता है। तो जनवरी 24, 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो उसका फाइनल सेशन होता है, बट इसका मतलब नहीं है कि ये एंड हो गया, और ये चलता रहा 26 जनवरी 1950 से लेके फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 52 के अंदर। तो दोस्तों हम ये वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं, हम इसका जो पार्ट सेकेंड है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो 2 वीडियो में आपका ये पूरा कम्प्लीट चैप्टर आ जाएगा। तो अगर कुछ भी डाउट आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।